हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डिलीट हुई फोटो या वीडियो को अपना रिकवर कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अपना डिलीट हुई फोटो या वीडियो को रिकवर करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के जरिए आप जो है डिलीट हुई फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप जो है डिलीट हुई फोटो या वीडियो को रिकवर कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हुई फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे है ना, मैं सबसे पहले अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। इसमें देखिए मेरे पास एक ये वाला पिक्चर है, ये पीसी का है, ठीक है। ये देखिए पीसी है, ये वाला पीसी का फोटो है मेरे पास। मैं इसे पहले तो डिलीट कर देता हूं, फिर इसके बाद मैं इसे रिकवर करूंगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसे उंगली से दबा के इसे डिलीट कर देता हूं। इसे मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से फोटो जो है डिलीट हो चुका है। अब देखिए इसे रिकवर करने के लिए आपको करना क्या है कि आपका ये जो नीचे की साइड ये लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है ना, लाइब्रेरी पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इस पेज में सबसे ऊपर ये चौथे नंबर पे ऑप्शन मिलता है ट्रैश का, ट्रैश या फिर बीन लिखा होगा, इसे टैप करना है। तो आपका ये डिलीट वाला पेज होता है ट्रैश का, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि आपकी जो भी फोटो या वीडियो आप डिलीट करते हैं वो सारी आपकी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो आपको जो है ना, ये देखिए फोटो हमारी जो डिलीट हो गई थी, अब मैं इसे रिकवर करने के लिए करना क्या है कि आपको इसे उंगली से दबा के रखना है। तो नीचे की साइड एक ऑप्शन शो होगा रिस्टोर का, रिस्टोर पर टैप करना है। तो आपका ये एक और पेज आएगा रिस्टोर का, इसे फिर से टैप करना है। तो आपकी जो फोटो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिस्टोर हो चुके हैं, यानी कि रिकवर हो चुके हैं, और ये हमारी फोटो जो है रिकवर होकर हमारे फोन की गैलरी में आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं रिकवर हो चुकी है। इस तरीके से दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हुई फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो कितने दिनों में इसे रिकवर कर सकते हैं, इसमें भी एक लिमिट होती है हमारे फोन में, ठीक है। लिमिट कितने दिन की होती है मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं जो है इस डिलीट वाले पेज पे आ चुका हूँ, यहाँ पर देखिए इसे आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे सेकंड लाइन में देखिए लिखा हुआ है 60 डेज, यानी कि 60 दिन के अंदर भी आप इसे रिकवर कर सकते हैं, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है 30 डेज, यानी कि 30 दिनों के अंदर भी आप इसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये 60 दिन और 30 दिन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपकी जो फ़ोन की गैलरी है ना, इसके अंदर आप देखिए सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर है, इसे टैप करना है। तो इसके अंदर आपकी जो बैकअप की सेटिंग होती है ना, इस बैकअप की सेटिंग को अगर आप चालू कर लेते हैं, ये फिलहाल के लिए मेरा ऑफ है, अगर आप ये बैकअप की सेटिंग चालू कर देते हैं, और बैकअप की सेटिंग चालू करने के बाद अगर आप किसी भी फोटो या वीडियो को डिलीट करते हैं ना, तो जिस डेट को आप डिलीट करेंगे उस डेट के आने वाले 60 दिनों तक आपके इस पेज में वो डिलीट हुई फोटो या वीडियो यहां पे पड़ी रहेगी। 60 दिन के अंदर आप रिकवर कर सकते हैं, अगर 60 दिन में रिकवर नहीं की तो 60 दिन बाद जो है ऑटोमेटिक परमानेंट यहां से भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे काम करता है 60 दिन, और 30 दिन जो है कैसे काम करता है कि अगर आप ये जो बैकअप की सेटिंग है ना, बैकअप की सेटिंग बंद कर देते हैं, और इसके बाद अगर आप कोई भी फोटो या वीडियो डिलीट करते हैं, तो जिस डेट को आप डिलीट करेंगे उस डेट के आने वाले 30 दिनों तक आपकी यहां पर वो फोटो या वीडियो रहेगी। 30 दिन के अंदर आप रिकवर कर सकते हैं, अगर 30 दिन के अंदर रिकवर नहीं करेंगे तो 30 दिन बाद जो है ऑटोमेटिक परमानेंट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 60 दिन और 30 दिन कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ना अपने मोबाइल फोन के जरिए ही आप जो है अपने डिलीट हुई फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं।